9 दिसंबर 1992 को रेनबो नेशन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैत्री श्रृंखला ने एक अमित्र मोड़ ले लिया जब कपिल देव ने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज पीटर कस्टन को मांकेड किया, जो मांकेडिंग का 7वां उदाहरण था। 1992 में भारत का दक्षिण अफ्रीका दौरा महत्वपूर्ण था। यह वह श्रृंखला थी जिसने 23 लंबे वर्षों के बाद रंग भेद युद्ध के बाद विश्व क्रिकेट में प्रोटियास के पुनः प्रवेश को चिन्हित किया था और यह भारत का साउथ अफ्रीका में पहला दौरा था। इस श्रृंखला में पहली बार टेलीविजन रिप्ले को भी खेल में पेश किया गया था और इसने तीसरे अंपायर को जन्म दिया था। जब भारत जिस क्षण से दक्षिण अफ्रीका में उतरी थी उसी क्षण से प्रशंसा की बौछार की गई थी और जहाँ भी वे यात्रा करते थे उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया जाता था। पर दूसरे ओडीआई में भारत के कुल 147 रनों के जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने सलामी बल्लेबाज एंड्रयू हॉडसन को जल्दी खो दिया, जिन्होंने मनोज प्रभाकर के साथ नई गेंद को साझा किया था। इसके कारण गैरी कस्टन के सौतेले भाई क्रीज पर आ गए। कस्टन की टेस्ट सीरीज काफ़ी ख़राब रही थी, उन्होंने 4 मैचों में सिर्फ 76 रन बनाए थे लेकिन पहले वनडे में अर्धशतक लगाया था। 5 ओवर बिना किसी घटना के बीत गए थे लेकिन फिर कपिल देव प्रोटियास कप्तान को गेंदबाजी करने के लिए दौड़े। जैसे ही कपिल देव ने गेंदबाजी क्रीज की ओर आरोप लगाया और उन्होंने देखा, श्रृंखला में पहली बार नहीं था कि कस्टन बहुत दूर तक पैकअप ले रहे थे। बिना किसी चेतावनी के कपिल देव ने नॉन स्ट्राइकर के छोर पर बेल्स को गिरा दी, वापस मुड़े और अंपायर को एक पैकिंग लुक दिया। कस्टन को पेवेलन की ओर भेजा और 3 उंगलियां दिखाई। वेसल्स को उंगलियां दिखाकर उसे बता रहे थे कि यह तीसरी बार था जब कस्टन ने इस कृत्य को दोहराया था। अंपायर साइरस मिचेल के पास आउट देने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। बाद में उनका कहना था कि जितना मैं कपिल का सम्मान करता हूँ उस समय उन्होंने जो किया उससे मैं सहमत नहीं था। भले ही बर्खास्तगी को कानूनी रूप से अनुमति दी गई हो लेकिन इसे बहुत खिलाड़ी जैसा नहीं माना जाता और निश्चित रूप से यह सबसे लोकप्रिय नहीं है, खासकर बल्लेबाजों के बीच। हालांकि उचित क्रिकेटिंग नैतिकता में कहा गया है कि जो गेंदबाज नॉन स्ट्राइकर को बैकअप लेते हुए देखता है उसकी बाद वाली गेंद को दिखाना चाहिए, गेंद को स्टंप के ऊपर से पकड़ना चाहिए ताकि यह संकेत मिले कि वह नॉन स्ट्राइकर की त्रुटि से अवगत है। इसे नॉन स्ट्राइकर के लिए एक चेतावनी के रूप में माना जाता है कि अगली बार जब वह बैकअप लेगा तो वह रन आउट हो जाएगा। पर कपिल देव ने नैतिक रेखा को पार नहीं किया था। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के लोगों का मानना था कि उन्होंने ऐसा किया है, पर कपिल देव ने पूरी निष्पक्षता के साथ पोर्ट एलिजाबेथ पर अंतिम कार्रवाई करने से पहले श्रृंखला में पहली दो बार कस्टन को चेतावनी दी थी लेकिन इसने भारतीय ऑलराउंडर के साथ यानी कपिल देव के साथ कुछ रंगीन शब्दों का आदान प्रदान करने से उन्हें नहीं रोका। वेसल्स जो खुद चुप नहीं रहे थे उन्होंने अपने गुस्से को हरकत में बदलने का फैसला किया और कथित तौर पर कपिल देव को 1 रन लेते हुए अपने बल्ले से पिंडली पर मारा। लेकिन मैच समाप्त होने के बाद भारत ने एक आधिकारिक शिकायत दर्ज की, वेसल्स ने कपिल देव को जानबूझकर पिंडली पर मारा था। उन्होंने यह भी दावा किया कि कस्टन ने असंतोष दिखाया था। मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने अगले दिन घोषणा की कि वेसल्स ने कपिल देव को मारने के लिए अपने बल्ले का स्वीकार किया था लेकिन कहा कि यह अनजाने में था। इस बात पर अभी भी कोई निर्णय लिया जा सका नहीं है। इस बीच कस्टन पर अस्वीकार्य आचरण के लिए मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया था लेकिन यह पहली बार नहीं था जब दक्षिण अफ्रीका को असंतोष दिखाने के लिए फटकार लगाई जा रही थी। भारत श्रृंखला से कुछ समय पहले एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही मैच में उन पर 2 जुर्माना लगाया गया था। पहले असहमति के लिए जब एक टीम के साथी को LBW आउट दिया गया और फिर जब उसी भाग्य से मिले उस मौके पर कस्टन पर मैच की कमाई का 40% जुर्माना लगाया गया था। हालांकि इस पूरे हंगामे का श्रृंखला के परिणाम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने वनडे सीरीज भी आराम से 5-2 से जीत ली लेकिन कपिल देव और भारतीय टीम अब साउथ अफ्रीका में सभी के पसंदीदा नहीं थे। दोनों टीमों और उनके संबंधित मीडिया ने अपना अपना बचाव किया। वैसे आज भी ये रूल्स समझ में नहीं आता कि मांकेडिंग सही है या गलत।
क्योंकि रूल्स इसे गलत भी नहीं कहते और सही भी नहीं कहते। वैसे आप मांकेडिंग के जन्म के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।